इन दिस वीडियो वी लुक एट हाउ मच स्कोर इज रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच सेक्शन, सो दैट ओवरऑल जो अपना स्कोर बने सीटी में इट शुड बी अराउंड 140 टू 150 प्लस. ठीक है, 140 से 150 के आसपास का अगर स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 200, देन श्योरली 99.99 प्लस परसेंटाइल अपना बनेगा. अपने को जेबी के लिए कॉल आएगा, सिडनम, वेलिंगकर और जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो. ठीक है, बट हर सेक्शन में अपने को परफॉर्म करने की जरूरत है, राइट. सो वॉट वी विल डू, हर सेक्शन में मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो भी स्कोर रिक्वायर्ड है वो मैं बताऊंगा. ये हो सकता है कि आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे अच्छा करो, ठीक है, और कोई सेक्शन आपका एवरेज है, वीक है, तो वहाँ पे आपको मैनेज करना है. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन. बट एट द एंड अपना जो टोटल स्कोर है वो 140 प्लस या 150 के आसपास का स्कोर होगा तो जाके अपने को अच्छा परसेंटाइल बनेगा एग्जाम में. ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर इट टू एवरीवन सो दैट अदर पीपल शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. Alright, so this is what the breakup of each section. ठीक है, देखो CET का पेपर लेंथी पेपर है, टाइम कंज्यूमिंग पेपर है और अपने को स्पीड बहुत अच्छी खासी चाहिए अगर हर सेक्शन पे अच्छा परफॉर्म करना है तो. अब जैसे कि फर्स्ट सेक्शन है आपका क्वांट का, क्वांट में 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 35 प्लस स्कोर करना है. इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन जो होंगे वर्ड प्रॉब्लम थोड़े लेंथी होंगे या DI थोड़ा लेंथी हो जाएगा. सो अगर पेपर या तो क्वेश्चन टाइप लेंथी हो गया तो टाइम लगने वाला है, तो अगेन आपको टाइम पे काम करने की ज़रूरत है. सो अकाउंट के सेक्शन में अगर आप 35 प्लस या 35 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो मतलब डिसेंट स्कोर है. बट इफ यू थिंक मेरा अकाउंट उतना अच्छा नहीं है, वीक है, 25-30 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो बाकी के सेक्शन में स्कोर बढ़ाना पड़ेगा. बट मिनिमम आई वॉन्ट 35 आपका स्कोर आना चाहिए, 35 या 35 प्लस. वर्बल के सेक्शन में 35 आउट ऑफ 50. ठीक है, देखो क्वांट में सबसे पहले आप काम करो अरिथमेटिक पे, अरिथमेटिक अच्छे से कर लो, आपका DI अच्छे से कर लो, नंबर सीरीज अच्छे से कर लो. ठीक है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी कर लो काफ़ी डिसेंट लेवल पे, अपना यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे. इंग्लिश के अंदर आपको वोकैब पे अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट हो गया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ऐसे करके आपके वोकैब के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, अगर आपका वोकैब अच्छा नहीं है तो फिर सीटी में प्रॉब्लम होगी, 10 प्लस क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होंगे. तो वर्ड पावर मेड इजी का पूरा वीडियो मेनूवर के डैशबोर्ड पे, प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस. ठीक है, 35 प्लस मार्क्स लेके आना आउट ऑफ 50. अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, 40 प्लस स्कोर हिट कर रहे हो विच इज़ गुड, और आपको लग रहा है कि मेरा कोई दूसरा सेक्शन वीक है, तो कोई बात नहीं, तो मैनेज हो जाएगा, राइट. तो आपको ये समझना है कि अगर कहीं पर आप अच्छा कर रहे हो तो कहीं पर अगर आप ओके कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कहीं तो आप अच्छा तो कर रहे हैं, और अगर आप कहीं पे ओके हो या वीक हो तो बाकी अदर सेक्शन में भी अपने को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर वो क्या है, बाकी ग्रामर और RC पे काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ योर MBA CET एग्ज़ाम, 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपने राइट किया, वेरी गुड स्कोर. और राइट होते ही होते दो तीन क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी टफ हो जाते हैं, बट हाँ 20 से 22 क्वेश्चन आप आराम से राइट कर पाओगे. ठीक है, लॉजिक के अंदर 75 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज लॉजिक का है, 75 क्वेश्चन आएंगे, 55 मिनिमम, मैक्सिमम 60 क्वेश्चन अपने को करेक्ट करने हैं, राइट करने हैं. ठीक है, 200 में से यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके 10 से 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं. मतलब आप यहाँ पे जितनी मर्जी लगा लो, तुक्का मटका लगाना ही पड़ेगा या तो फिर स्मार्ट गैस करके भागना पड़ेगा, बिकॉज टाइम नहीं है, 150 मिनट है और 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो एक क्वेश्चन को लेके एक मिनट का भी टाइम नहीं है, तो स्पीड तो काफ़ी डिसेंट होनी चाहिए. लॉजिक को लेकर के ऑल टाइप्स ऑफ द शॉर्टकट यू विल बी लर्निंग इन योर वीडियोस, अगर आपने लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है मैनुअल का, तो उसमें भी यू विल बी लर्निंग ऑल काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन. हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर ट्रिक्स पता होना चाहिए, ऑप्शन से कैसे डील करना है, शॉर्टकट कैसे लगाना है, हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो टोटल स्कोर अगर आप ये करोगे तो 145 मिनिमम आएगा, मैक्सिमम 152 आपका स्कोर बनेगा. ठीक है, तो ये स्कोर अपने को टारगेट लेके चलना है अगर मुझे महाराष्ट्र के या मुंबई के अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो ये काम करना पड़ेगा. सो अपार्ट फ्रॉम CET, अगर आप दूसरे MBA के एंट्रेंस लाइक CAT, NMAT वगैरह प्लान कर रहे हो, तो उसके साथ साथ काफ़ी पढ़ाई हो जाएगी अपनी. इसकी डेट आ गई है अपनी, मार्च में अपना एग्जाम है, तो जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, फॉर्म अपने को भरना है एंड अकॉर्डिंगली हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. बट प्रिपरेशन पहले से चालू कर दो, डिले नहीं करनी है. ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके CET में आने वाला है वो है लॉजिक. ठीक है, लॉजिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन आएंगे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक वाले पार्ट को मिला के. ठीक है, ये 75 में से भी आपके 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे,
जिसको हम ट्रेडिशनल लॉजिक बोलते हैं, लाइक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस। उसके बाद 15 से 18 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल वर्बल रीजनिंग वाले, और 20 से 25 क्वेश्चन या 25 से 30 के आसपास के क्वेश्चन आपके एनालिटिकल लॉजिक, जो अरेंजमेंट पजल वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये सेक्शन को आप अपने नोटिस बोर्ड पे लिखो, पीस ऑफ पेपर पे लिखो, और ये स्कोर टारगेट सेट करो एंड अकॉर्डिंगली चेज दिस टारगेट। ये अपना स्कोर बन रहा है तो मतलब बहुत सही पढ़ाई अपनी चल रही है। अगर आपको कोई सेक्शन में लग रहा है कि स्कोर नहीं बन रहा है या तो वीक है, तो बाकी के सेक्शन में अपने को परफॉर्म करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। मेनूवर MBA एंट्रेंस ये वाले चैनल पे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट की है, तो इसको सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अपडेट नोटिफिकेशन लॉट्स ऑफ थिंग विल बी गेटिंग। MBA CET विल बी द लास्ट एग्जाम जिसके थ्रू आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा, और CMAT भी आपका एग्जाम नजदीक ही है, और अपार्ट फ्रॉम CET CMAT भी एक आपका अराउंड मार्च में ही एक्सपेक्टेड डेट आप पकड़ के चलो। सो फार अपडेट नहीं आया हुआ है, बट हाँ मार्च के आसपास का डेट पकड़ के चलते हैं। सो वॉट एवर वी हैव डिस्कस फॉलो द सेम, प्रिपेयर वेल सो दैट वी कैन क्रैक CET विद द गुड परसेंटाइल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।